नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे रियो ग्रैंड चेरी के बारे में। इन फलों का नेटिव प्लेस है ब्राज़ील और ये ब्राज़ील के रेनी फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा अद्भुत फल है, जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी के भी मन को मंत्रमुग्ध कर देता है और अपने अट्रैक्ट करता है बार बार खाने के लिए। इनका साइंटिफिक नेम है यूजीनिया इनवॉल्यूक्रेटा। ये एक विदेशी फल होने के बावजूद भी हमारे भारत की मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, डेवलप होते हैं और इसका आप अनुभव भी ले सकते हैं घर पे बैठे बैठे। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से पनपते हैं एवं अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। हालांकि इन्हें कई प्रकार के नामों से भी जाना जाता है, जैसे ट्रॉपिकल चेरी, रियो चेरी, बिग रिवर चेरी, या चेरी ऑफ रियो, या ब्राज़ीलियन चेरी के नाम से भी विश्वविख्यात है। दोस्तों, आपके रीजन में इस प्रकार के चेरीज को किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स पे जरूर बताइएगा। दोस्तों, इन पौधों का आकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इसका अनुवर्ष, इसकी जो कैनोपी है, काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। यह ज़मीन से ऊपर की ओर किसी रॉकेट की भांति ऊपर की ओर बढ़ते हैं और त्रिकोण आकार में ये फैलते हैं और ये बुशी फॉर्म में डेवलप होता है और ये झाड़ियों में होने वाले फ्रूट्स होते हैं। और इन फलों का जो आकार होता है वो किसी अंगूर की भांति होता है और इसके एक सिरे में अनार की भांति का शेप भी देखे जा सकते हैं। और इन फलों का जो साइज़ होता है वो 1 इंच तक ही बढ़ता है और ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लुक भी देता है दोस्तों। और इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही स्वीट टेस्ट देखने को मिलता है और इसके अंदर एक बीज ही देखने को मिलता है दोस्तों। जब फ्लावरिंग जब लग जाता है उसके 2 से 3 सप्ताह के अंतराल में ही आप इनमें फ्रूटिंग भी देखे जा सकते हैं। तब आपको अच्छा पानी भी देना होता है जिससे कि फूल जो है वो फॉल नहीं होते हैं और यही फूल टर्न होते हैं फ्रूट्स में। जो भी लोग शहरों में रहते हैं जिनके पास जगहों की कमी होती है, वह भी इस प्रकार के पौधों के रोपने आप अपने पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में, टेरिस में, खेतों के मेड़ों पर, आउटडोर प्लांट्स के तहत या गार्डन में, या एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुए कदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान के हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी यह पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को विकसित कर लेते हैं। जल भराव नहीं, जल रिसाव वाली मिट्टी होनी चाहिए। ग्राउंड का पीएच वैल्यू 5.6 से 7.0 तक का होना चाहिए। अगर मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा अधिक हो या अल्कलाइन की मात्रा अधिक हो तो उस प्रकार की मिट्टी में इस प्रकार के पौधों की रोपनी करना असंभव सा प्रतीत होता है। इन पौधों की रोपनी आप प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ीनुमा वाले क्षेत्रों में या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से रोपनी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं हर प्रकार के क्लाइमेट में। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रख के इस प्रकार के पौधों के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जो आपको आगे चल के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाता है। दलदली वाले क्षेत्रों में या जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती हो उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार की वैरायटी को लगाना भी असंभव सा प्रतीत होता है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें चेरीज खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है तो आप इसे एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं और घर पर बैठे बैठे विदेशी फलों का आनंद आप ले सकते हैं और इसका अनुभव भी ले सकते हैं। दोस्तों, इन फलों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है। इनमें विटामिन ए, सी और बी का कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। इन फलों से आपको आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा भी मिल जाती है, जो आपके शरीर को पोषित करने में अपने महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। अगर आप अपने गार्डन में कुछ अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन करना चाहते हैं या एक्जोटिक फ्रूट्स लगाना चाहते हैं तो आप रियो ग्रैंड चेरी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। यह आपके गार्डन की सुंदरता को भी बढ़ाता है एवं लग्जरी लुक देने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। पौधे कहाँ से ले, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पौधे मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप बडिंग, ग्राफ्टिंग या एयर लेयरिंग वाले पौधे लीजिए, जो आपको बहुत ही कम टाइम पे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। और ये डिपेंड भी करते हैं आपके क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर भी, लगभग 1 साल या 2 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देखे जा सकते हैं। दोस्तों, हाउ टू ग्रो, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले ग्राउंड का चुनाव करें। 1 हाथ का गड्ढा लीजिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली पाउडर, बकरी की खाद, गोबर की खाद या बोन पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग से उन पौधों को हटा के उसको सेंटर में रख के
ढक दीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से पानी से सिंचाई कीजिए। इन्हें किसी भी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है और जहाँ तक हो सके केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। एक हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा आपको अच्छा पानी देना होता है। गर्मियों के टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से पानी देना होता है क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ही इसमें फ्लावरिंग आता है और फ्लावरिंग के टाइम को अच्छा पानी देने से ये फ्लावर्स फाल नहीं होते और यही फ्लावर्स बाद में कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रख के आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और यह बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, डेवलप होते हैं और आप इसका अनुभव भी ले सकते हैं। हालांकि चेरीज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद है लेकिन यह चेरी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और रेयर स्पीशीज़ में काउंट होता है। लगभग 2 साल के अंतराल में इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखे जा सकते हैं और फ्लावर्स का जो रंग होता है वो वाइट रंग में देखने को मिलता है और इसका जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ होता है। दोस्तों, जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहाँ पर इस प्रकार के पौधों की रोपनी कीजिएगा। अगर आपके एरियाज़ में शेडर टाइप के एरियाज़ हो वहाँ पर भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं और पनपते हैं और विकसित हो जाते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर आप यूजीनिया फैमिली के अन्य वैरायटीज़ के चेरीज़ के ऊपर भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों, इन पौधों पे प्रूनिंग मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रूनिंग मेथड के हिसाब से आपके जो पौधे हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं, ज़्यादा हाइट में नहीं जाते हैं और हार्वेस्टिंग करना भी बहुत इजी होता है और आपके जो पौधे हैं वो हमेशा एवरग्रीन में काउंट होता है। जब ये फल मैच्योर पीरियड पे आते हैं तो ये रेड से पर्पल रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो त्रिकोण आकार में देखने को मिलता है और ग्रीन फॉर्म में देखने को मिलता है। मार्च के महीने के बाद से ही इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है और ये अपनी फ्रूटिंग से पूरे पौधे को कवर कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनोखा एवं मनोहर लुक भी देता है एवं अपनी ओर आकर्षित भी करता है देखने के लिए और खाने के लिए भी। यह फल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सिल्की एंड ग्लॉसी लुक भी देता है जो आपके मुँह में जाते ही प्रस्फुटित हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे मानो जन्नत में पनाह मिल गया हो। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे अद्भुत फलों का सेवन करना चाहते हैं या ट्रायल बेस पे कुछ पौधे अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया। दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।